हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम अपना प्रीपोजिशन का नेक्स्ट यूज देखते हैं। तो हमारा है यहाँ पे फ्रॉम। तो फ्रॉम का आपको मीनिंग तो पता ही होगा कि फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है। फ्रॉम का मीनिंग होता है से, लेकिन इसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम मीन्स मोशन और रेस्ट अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। ठीक है, फ्रॉम मीन्स क्या होता है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो रेस्ट पोजीशन में हो। और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे इसका यूज देखते हैं, से यानी सेपरेशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अलगाव हो रहा है, वो बिछड़ रहा है, तो उसमें हम फ्रॉम का यूज करेंगे। देन से कार्य आरंभ होना, यानी कि अगर कोई भी वर्क है जो आपका स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम से का यूज करेंगे। से लेकर के तक तक, मतलब कि समय और स्थान, यानी कि किसी भी टाइम या प्लेस के लिए हम से या तक का यूज करेंगे। देन उसके बाद हम रीजन के लिए भी, किसी भी चीज के रीजन के लिए हम, मतलब किसी चीज का कारण बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। देन सोर्स, यानी कि किसी चीज का स्रोत हो, सोर्स हो, उसके लिए हम यूज करेंगे। देन उसके बाद लास्ट वन है आपका, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को डिनोट करने के लिए, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज। फ्रॉम हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन है, एंड देन लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, यानी कि पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा सेपरेशन हो रहा है, ये नहीं है कि हाँ अटैचमेंट हो रहा है। जो लीव्स है वो ट्रीज से जब गिर रहे, तो वहां पे हमारा सेपरेशन का हो रहा है, तो यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज किया। देन अगला है हमारा इन। इन का मतलब होता है रेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का जो भी इंटीरियर होगा वो रेस्ट पोजिशन में होना चाहिए, तो हम उसमें इन का यूज करेंगे। जैसे इसका यूज हम करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, मे, इनका मतलब होता है मे यानी कि अंदर। तो अंदर यानी कि इंटीरियर हमारा, वो हमारा रेस्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मोशन में होना चाहिए। फ्रॉम हमारा मोशन के लिए होगा, लेकिन इन जो है हमारा वो रेस्ट के लिए होगा। तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, बड़े स्थान यानी कि बिग प्लेसेस के लिए, टाइम के लिए, डायरेक्शन के लिए, अवस्था यानी कि कौन से पोजिशन में है, फिर के भीतर यानी कि किसी भी किसी के भी, मतलब अंदर का सेंस आता है। देन पोशाक यानी कि ड्रेस, पेशा, ऑक्यूपेशन, देन व्यापार आपका हो गया बिजनेस, कार्यकलाप, कोई भी एक्टिविटीज यानी कोई भी मेथड, या इनका यूज होता है हमारा के बाद, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन हमारा वो चीज रेस्ट में होना चाहिए। एग्जाम्पल, वी लिव इन एशिया। एशिया हमारा बिग प्लेस है, तो हम एशिया में रहते हैं, यहाँ पे इन हमारा प्रीपोजिशन हुआ। तो यहाँ पे हमने इन का यूज किया। देन अगला हमारा इन फ्रंट ऑफ, यानी इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बिफोर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने। इसका यूज हम करते हैं किसी भी वस्तु के सामने, किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने का जो भी होता है, वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो यहाँ पे हमारा इन फ्रंट ऑफ, ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ। और हमने, मतलब हमारे घर के सामने पेड़ है, तो हमारा घर एक ऑब्जेक्ट हुआ, एंड उसके सामने में क्या है, तो पेड़ है, तो वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज किए, क्योंकि वहां पे वो उसके सामने का डिनोट कर रहा है। देन अगला है हमारा इनटू। इनटू मीन्स मोशन टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग, यानी कि देखिए यहाँ पे इन था हमारा जो कि रेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, यानी कि रेस्ट पोजीशन होना चाहिए, लेकिन इनटू हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद वो रेस्ट पोजीशन में ना होकर के वो मोशन में होगा। इसका यूज उसका, जैसे इन का मतलब होता है मे, वैसे ही इनटू का भी मतलब होता है मे, लेकिन इन क्या होता है कि वो हमारा रेस्ट के लिए, और इनटू होता है हमारा मोशन के लिए। तो इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बाहर से भीतर की ओर जाने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो वो तो मोशन में ही है, तो उसके लिए एक व्यक्ति से दूसरे वस्तु में बदलने के लिए, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम किसी और ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी हम इनटू का यूज करेंगे। स्थिति में परिवर्तन, यानी कि पोजिशन में चेंजिंग आएगा। पोजीशन में चेंजिंग आया, आने का मतलब कि जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे है हमारा, अ फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल।
यानी कि एक मेंढक वो कुएं के अंदर कूदा, तो कुएं के अंदर कूदा यहाँ पे इनटू हमारा प्रीपोजिशन है, तो कुएं के अंदर जब वो कूदा तो कूदने के बाद वहां पे तो मोशन हुआ, ऐसा नहीं है ना कि कूदने के बाद वो वहां पे जाकर के रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे जो फ्रॉग है वो कुएं के अंदर गया, तो यहाँ पे हमारा जो है बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव ये भी हो रहा है, और स्थिति में परिवर्तन यानी कि फ्रॉग अगर पहले फ्रॉग अगर रेस्ट में हुआ तो वो कुएं के अंदर गया, तो वहां पे जाकर के वो मोशन में हो गया। तो इसी तरह हमारा और भी यूज है, तो आइए हम आगे और यूज देखते हैं। तो चलिए हम अपना अगला यूज देखते हैं। अगला हमारा नियर। नियर मीन्स क्लोज टू समबडी और समथिंग। नियर का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन से या किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत ही ज्यादा नजदीक, यानी कि क्लोज। इसका यूज हम करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के नजदीक में, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर किसी भी पर्सन के नजदीक में हम नियर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, शी इज सिटिंग नियर मी, वो मेरे नजदीक बैठ रही है। तो यहाँ पे नियर हमारा प्रीपोजिशन हुआ, और यहाँ पे दो पर्सन के बीच का बताया जा रहा है ना, तो पहला पर्सन मैं यानी कि मेरे नजदीक, और दूसरी पर्सन वो यानी कि वो मेरे नजदीक बैठ रही है। तो यहाँ पे क्लोजनेस का दिखाया गया है, तो हम यहाँ पे नियर का यूज किए। देन आगे हमारा ऑफ। ऑफ मीन्स पोजिशन। पोजिशन क्या होता है? पोजिशन मतलब कि किसी का, मतलब किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का किसी के साथ रिलेशन बताना, वो होता है हमारा पोजिशन। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? का की के, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी पर्सन का किसी के साथ में रिलेशन बताने के लिए, या उसका अधिकार बताने के लिए। फिर मटेरियल के लिए हम यूज करेंगे ऑफ का, यानी कि कोई सा भी मटेरियल है उसको हमको डिनोट करना है तो वहां पे हम ऑफ का यूज करेंगे। देन फिर हम अंश या मात्रा, ठीक है, कितना क्वांटिटी या कितना क्वालिटी में बचा है उसके लिए हम यूज करेंगे ऑफ का। देन क्वालिटी, किसी का गुण बताने के लिए। माप तौल, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को तौलने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। रीजन बताने के लिए, कॉज कारण बताने के लिए। ओरिजिन और सोर्स, यानी कि उसका ओरिजिन क्या है उस ऑब्जेक्ट का और उसका स्रोत क्या है उसके लिए हम यूज करेंगे ऑफ का। के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में बताने के लिए, या उससे किसी का रिलेशन होता है अगर के संबंध, यानी कि अगर किसी का रिलेशन होता है तो उसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, राम वॉज द सन ऑफ दशरथ, राम जो थे वो दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन बता रहे हैं, तो ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हुआ और हम रिलेशन बता रहे हैं कि दशरथ से राम का क्या रिलेशन था, तो इसके लिए हम ऑफ का यूज किए। देन उसके बाद अगला है हमारा ऑफ। ऑफ मीन्स फार फ्रॉम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन से दूरी, यानी कि किस मतलब कितने दूरी पे है ये बताने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। जैसे यूज में देखते हैं, से स्थान से अलग, यानी कि किसी भी प्लेस से अलग होने का भाव होगा जहां पे, वहां पे हम ऑफ का यूज करेंगे। कुछ दूरी पर या हट कर, यानी कि कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस है या फिर मतलब उससे हट करके, तो वहां पे हम ऑफ का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, वी गॉट ऑफ द बस, हम लोग बस से उतरे, ठीक है, ऑफ यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन। और ये हमारा बस से, बस हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो उससे हमारा अलग होने का भाव बता रहा है, तो यहाँ पे हमने ऑफ का यूज किया। देन अगला है हमारा ऑन। ऑन मीन्स इन अ पोजिशन कवरिंग टचिंग, ठीक है। ऑन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी पर्सन का पोजिशन बताएगा जो कि टच में हो, ऐसा नहीं है कि वो टच में नहीं होगा, ठीक है। ऑन का मतलब होता है कि वो हमेशा टच में ही रहेगा। जैसे इसका यूज हम देखते हैं, पर यानी कि किसी प्लेस को बताने के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। को यानी कि किसी भी पर्सन को डिनोट करने के लिए, और फिर उसका टाइम को बताने के लिए, या फिर किसी भी पर्सन की तरफ हमें इशारा करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे। देन किसी का रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए, किसी के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। किसी के बिल्कुल नजदीक, लगभग, और साथ ही साथ हम दिनों का नाम बताने, यानी कि डेज के नेम में भी
हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, देयर इज अ हैट ऑन हर हेड, उसके सर पर एक टोपी है। ऑन हमारा प्रीपोजिशन, और जो सर पर टोपी यानी कि उससे तो टचेबल है ना, ऐसा नहीं है कि हम उससे टच में नहीं है, तो यहाँ पे हमने ऑन का यूज किया। तो आइए इसके आगे हम और यूज देखते हैं। हमारा जो अगला है वो है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है चूजिंग वन ऑफ देम, यानी कि बहुत सारे पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें से किसी एक को चूज करना, हम उसको बोलेंगे आउट ऑफ, यानी किसी भी एक का चयन करना। इसका यूज देख लेते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं में चयन, यानी कि बहुत सारे यानी 4, 5, 6, 7 ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमें किसी एक को चूज करना है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, चूज वन फोटो आउट ऑफ 10, यानी कि 10 फोटो में से एक फोटो को चयन करो यानी कि चूज करो। तो यहाँ पे हमारा जो आउट ऑफ है ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ, और यहाँ पे हम मतलब 10 फोटोज है, ठीक है, 10 फोटोज है, उसमें से हमें किसी एक को ही चूज करना है। तो यहाँ पे चूजिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम आउट ऑफ का यूज करेंगे। देन उसका अगला हमारा ओवर। ओवर मीन्स फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अदर, यानी कि ओवर का मतलब होता है किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट के एक साइड से, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक का, वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। जैसे यूज इसका देख लेते हैं, के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन बिल्कुल सटा हुआ नहीं, जैसे कि हमने ऑन में देखा था कि वहां पे सटा हुआ होता था, लेकिन यहाँ पे एकदम सा भी सटा हुआ नहीं होगा। के समय या अवधि में, यानी कि किसी भी टाइम को या ड्यूरेशन को बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट से ज्यादा क्वांटिटी है अगर, तो उसके लिए ओवर का, की दूसरी ओर यानी कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर डिनोट करने के लिए ओवर का हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, ठीक है, उसके सिर के ऊपर छतरी है, सिर के ऊपर छतरी है, लेकिन वो सिर से सटा हुआ तो नहीं है ना, तो यहाँ पे हमने ओवर का यूज किया। अगर वही यहाँ पे होता कि देयर इज अ हैट ओवर हर हेड, तो यहाँ पे हम ओवर नहीं ऑन करते, देयर इज अ हैट ऑन हर हेड होता, और यहाँ पे जब छतरी है यानी कि सटा हुआ नहीं है, है तो सिर के ऊपर ही लेकिन सटा हुआ नहीं है, तो हमने ओवर का यूज किया है। उसके बाद है अगला हमारा ऑविंग टू। ऑविंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, यानी कि किसी भी रीजन को बताने के लिए हम ऑविंग टू का यूज करेंगे। जैसे इसका यूज देख लेते हैं, के वजह से, यानी कि किसी भी पर्सन की वजह से या फिर उसका कारण, उसका रीजन या किसी के चलते, उसमें हम ऑविंग टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई कुड नॉट स्टे ऑविंग टू फादर, मैं पापा की वजह से यहाँ पे नहीं रुक सकता। तो यहाँ पे ऑविंग टू यानी कि पापा की वजह से, यानी कि हमें रीजन मिल गया कि हाँ पापा है तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, तो यहाँ पे हमने ऑविंग टू का यूज किया है। देन अगला हमारा पास्ट। पास्ट का मतलब होता है बियॉन्ड और लेटर देन समथिंग, किसी भी टाइम में हम पास्ट का यूज करेंगे जो कि मतलब निश्चित समय से ज्यादा हो चुका है, मतलब कि निश्चित समय से ज्यादा अगर हो चुका है तो वहां पे हम पास्ट का यूज करेंगे। और ये बेसिकली सिर्फ हमारा टाइम के लिए यूज होता है, सिर्फ टाइम के लिए यूज होगा। जैसे एग्जांपल, इट इज 7:30, अभी 7:30 बजे है, तो यहाँ पे हम 7:30 नहीं लिख करके 7:30 लिखे, हाफ, ठीक है, हाफ मतलब आधा, 7 यानी कि 7:30 अभी बजा है, तो यहाँ पे हमने पास्ट का यूज किया, पास्ट हमारा प्रीपोजिशन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसके और भी यूजेस बाकी हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।